नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों आज हम भंडारे वाले कद्दू की सब्जी बनाएंगे। ये खाने में काफी तीखी, मीठी और चटपटी सी होती है। जब हम बनाएंगे तो इसका स्वाद बिल्कुल वैसा होगा जैसे भंडारे में मिलती है सब्जी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं बता दूं, मैंने लगभग 750 ग्राम कद्दू लिया था और उसको मैंने अच्छे से 2-3 बार वॉश कर लिया और उसके बाद मैंने उसके सीड्स भी निकाल दिए। और जो इसका ऊपर का जो ये छिलका है, अगर तो सॉफ्ट हो तब तो आप इसको इसके साथ बनाएं और अगर ये सॉफ्ट नहीं है तो आप इसके छिलके को उतार कर बनाएं। जो मैंने पेठा लिया, जो कद्दू लिया है, उसका छिलका काफ़ी सॉफ्ट है तो हम इसे इसके छिलके के साथ बनाएंगे। अब हमने सबसे पहले इसको पीसेस में कट करना है, पतले पतले पीसेस में। इस तरह से मैं सारे कद्दू को काट लूंगी। पहले फ्रेंड्स, कद्दू को मैंने काट लिया इस तरह से पतले पतले पीसेस में, आप देख सकते हैं। अब मैंने ये कढ़ाई ली, कढ़ाई के अंदर मैंने लगभग 4 टेबलस्पून के करीब सरसों का तेल डाला। तेल को हम गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं फ्लेम को लो कर दूंगी। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून जीरा डालूंगी, 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर सौंफ डालूंगी और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर मेथी दाना डालूंगी और 2 मैंने ये सूखी लाल मिर्च ली है, इसे मैं तोड़कर इस तरह से डाल दूंगी। इन सबको अच्छे से क्रैकल होने देंगे। अब मैं इसके अंदर मैंने 3 लहसुन की कलियां ली थी उसे डाल दूंगी, उसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था और 1/2 इंची मैंने अदरक का टुकड़ा लिया था उसे भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, उसे भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और 7-8 मैंने करी पत्ता लिए और 3 मैंने हरी मिर्च ली थी उसे भी बारीक चॉप कर लिया था, उसे भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। हम इनको भून लेंगे अच्छे से, लगभग 1 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से भून लेंगे। फ्रेंड्स, मैं इसके अंदर लगभग 1/4 टीस्पून के करीब हींग ऐड करूंगी, इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर सूखे मसाले ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं मैंने क्या लिए। मैंने 2 टीस्पून भर के जो है धनिया पाउडर लिए, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी लिए, 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिए और नमक मैंने स्वाद अनुसार लिए। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक लिया और थोड़ा सा मैंने इसमें काला नमक भी ऐड कर रही हूँ मैं, इससे इसका स्वाद जो है काफ़ी अच्छा आता है। मसालों को इसके अंदर डाल देंगे हम और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए तो मैं इसके अंदर 2 से 3 चम्मच जो है पानी डालूंगी ताकि मसाले हमारे जले नहीं। अब हम इनको चला लेंगे। मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं तो अब मैं इसके अंदर ये कद्दू ऐड कर दूंगी। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कद्दू को मसालों के साथ। अब मैं इसके अंदर गुड़ ऐड करूंगी। मैं इसके अंदर लगभग 15 से 20 ग्राम गुड़ ऐड कर रही हूँ। आपके पास गुड़ है तो आप गुड़ यूज कर लें, नहीं तो आपके पास चीनी है तो आप इसमें 2 से 3 टीस्पून के करीब चीनी ऐड कर लें, इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। कद्दू के अंदर पानी काफी ज्यादा होता है तो हम इसके अंदर इस सब्जी को बनाने के लिए पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। अब मैं इसे ढककर पकाऊंगी लगभग 4 से 5 मिनट के लिए। हम इसे हाई फ्लेम पर पकने देंगे। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। मैंने सब्जी को बीच में 2 दफा चला लिया था, एक बार फिर से सब्जी को हम हिला लेंगे। अब मैं फ्लेम को कम कर दूंगी और इसके अंदर कुछ मसाले और ऐड करेंगे हम। अब मैं इसको चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब आमचूर पाउडर डालूंगी, 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड करूंगी और 1 टेबलस्पून के करीब मैं इसके अंदर कसूरी मेथी डालूंगी इस तरह से हाथों से क्रश करके। अब हम सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम फिर से इसे ढककर कुक करेंगे, लेकिन अब हम इसको लो फ्लेम पर कुक करेंगे। पहले हमने इसको हाई फ्लेम पर किया था, अब हम इसको लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए कुक करेंगे, या आप ये कह सकते हैं तब तक कुक करेंगे जब तक कि हमारा कद्दू जो है गल नहीं जाता, हमारी सब्जी जो है बनकर तैयार नहीं हो जाती।
मैंने सब्जी को चेक किया था, सब्जी हमारी बन चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से दबाए तो ये दब रही है। इट मीन्स सब्जी हमारी बनकर तैयार है। अब मैं इसके अंदर फ्रेश कटा हरा धनिया डाल दूंगी, इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को अब मैं ऑफ कर दूंगी और इसे ढककर रख दूंगी 5 मिनट के लिए, फिर हम अपनी सब्जी को सर्व कर लेंगे। कद्दू की बहुत ही टेस्टी भंडारे वाली सब्जी बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसे चपाती के साथ, पूड़ी के साथ या परौंठी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू सो मच।